जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं। आपके सामने एक जन्म कुंडली है, इसके हम लग्न नवमास और दशमास के द्वारा जो है वो पूरी कुंडली का फलादेश करेंगे, जिसमें हम इसकी एजुकेशन, इसके व्यापार को, नौकरी को और वैवाहिक जीवन को और आने वाली दशाओं के बारे में और जो उपाय होते हैं उनके विषय। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको सीखने को भी मिलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि जब हम किसी कुंडली का फलादेश कराते हैं तो हमें किन किन चीजों को देखना जरूरी होता है। क्योंकि आप अपनी जन्म कुंडली जब किसी को भी दिखाते हो तो आपको ये नॉलेज तो होना ही चाहिए कि भाई ये आदमी मेरे को जो ग्रह बता रहा है मैं कैसे इसका जो प्रयोग है वो किस तरह से करूं। तो इन सब चीजों का आकलन के लिए आप ये वीडियो पूरा देखें और मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है शिवाय एस्ट्रोलॉजर, इसे जो है वो आप सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर संडे को रात्रि को 9 बजे लाइव सेशन करते हैं, जिसके द्वारा आप हमसे फ्रीली अपनी जन्म कुंडली का फलादेश जान सकते हैं और हमारे द्वारा इस जो YouTube चैनल है इसके द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें बहुत सारे वीडियो हैं, 600 से भी अधिक वीडियोस हैं हमारे। तो सबसे पहले जातक की जो कुंडली है वो मेष लग्न की है, लग्न में केतु बैठा है और राशि है इसकी मिथुन यानी चंद्रमा, इसका तीसरे भाव में मिथुन राशि में बैठा है। शुक्र, सूर्य और बुध जो है वो पांचवें घर में बैठे हैं। सूर्य स्वराशि का है, बहुत ही बढ़िया है। बुध यहाँ पे उसके साथ बैठा है, यानी कि यहाँ पे बुध आदित्य योग बना रहा है। शुक्र और बुध की युति भी यहाँ पे महालक्ष्मी योग बना रही है, दोनों में कोई कमी नहीं है। इनकी डिग्रियों को भी देखेंगे। साथ में यहाँ पे मंगल जो है वो छठे घर में बैठा है, लग्ने छठे घर में बैठा होता है तो थोड़ा सा शरीर से कमजोर करता है, यानी कि छोटी छोटी बीमारियां देता है और जातक को अनावश्यक गुस्सा भी देता है। लग्न में जब केतु बैठा होता है तो जातक को चोट लगना, एक्सीडेंट होना या फिर जातक का झुकाव एक कार्य की तरफ हो जाता है, इस तरह की चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। राहु सप्तम घर में बैठा हो तो जातक एक से ज्यादा व्यापार करता है, जल्दी जल्दी व्यापार करता है, उम्र के छोटे पड़ाव से ही व्यापार या कुछ ना कुछ अपना पार्ट टाइम काम शुरू कर देता है। इसके बाद यहाँ पे नवम घर में जो है वो गुरु बैठा है और गुरु जो है वो भाग्य का स्वामी है और यहाँ पे आठवें घर में बैठा है, यानी नवम घर का मालिक है वो आठवें घर में बैठा है, यानी भाग्य को अपने ही द्वारा काट रहा है। जब कोई भी ग्रह अपनी ही राशि के पीछे बैठ जाए तो अपने जो परिणाम है उसको काट देता है, तो भाग्य को ये काट रहा है तो इसका इसे क्या दुष्परिणाम मिलेगा वो सब चीजें चर्चा करेंगे। दूसरा क्या है कि इस कुंडली के अंदर लाभ का स्वामी, कर्म का स्वामी शनि है, जो अपनी ही राशि का होकर बहुत ही मजबूत बैठा है, लेकिन यहाँ पे 29 डिग्री का है तो कुछ लोग इसे मृत अवस्था में कह सकते हैं, वृद्ध अवस्था में कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, यानी कि ये जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है ये आपका गुरु का है और गुरु आठवें घर से जुड़ता है तो जातक को कई बार अचानक लाभ के भी योग बन सकते हैं और गुरु यहाँ पे नवमेश भी है तो इसका भी ऐसे लाभ मिलता है। हम जब नक्षत्रों को ले लेते हैं तो हमारे सामने ये अस्त, बाल अवस्था, कुमार अवस्था ये सब चीजें नहीं रहती है। जैसे यहाँ पे सूर्य के साथ शुक्र और बुध आने से अस्त हो जाते हैं, लेकिन हम इन चीजों को नहीं लेंगे क्योंकि हमारे लिए नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है। नवमास और दशमास सबको लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे सूर्य जो है वो 3 डिग्री का है, मघा बुध केतु के नक्षत्र में है, केतु जो है वो लग्न में बैठा है और बुध जो है वो 24 डिग्री का है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। अब पांचवा घर गुणवत्ता का, इंटेलिजेंसी का होता है। शुक्र यहाँ पे बैठा है तो बहुत बढ़िया करता है, लेकिन यहाँ पे सूर्य और बुध का जो बुध आदित्य योग है वो यहाँ पे फलित ही नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे दोनों के अंदर बहुत दूरी है, क्योंकि ये जो राशि है सिंह राशि ये 30 डिग्री की है। अब इस 30 डिग्री में 3 नक्षत्र चलते हैं, सबसे पहले केतु का नक्षत्र चलेगा, उसके बाद शुक्र का और उसके बाद जो है वो चलेगा सूर्य का। तो यहाँ पे क्या है कि जो सूर्य है वो तो केतु के नक्षत्र में है और आपका जो ये बुध है वो आपका पूर्व फाल्गुनी यानी कि शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र यही बैठा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो योग है बुध आदित्य योग ये फलित ही नहीं हुआ है। इसका मतलब कि आप जो है वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं कर पाओगे जितना अच्छा कुंडली में दिख रहा है। अब इसी योग को अगर हम नवमांश में देखते हैं तो सूर्य जो है वो केतु के साथ ग्रहण में चला जाता है तो आपकी यहाँ पे बुध आदित्य योग यहाँ पे फेल हो गया। दूसरा कि आपका जो बुध है वो नवमांश में राहु के साथ चला जाता है तो यहाँ पे जड़त्व दोष बनाता है, इसका मतलब यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई है। हाँ, ये हो सकता है कि नवमांश में ये जो योग बना इससे ये हो सकता है कि पत्नी जो है वो पढ़ी लिखी आने के योग जरूर बनते हैं, पत्नी अच्छी आने के योग बनते हैं। तो सबसे पहले ये आपका जो योग था ये फलित ही नहीं हुआ है। अब शुक्र के साथ देखते हैं तो शुक्र यहाँ पे 3 डिग्री का है, शुक्र और सूर्य दोनों करीब करीब में मघा नक्षत्र में, लेकिन इन दोनों का कोई योग नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे बुध के साथ इसका जो है वो महालक्ष्मी योग भी नहीं बनेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो पंचम घर में ये जो गुणवत्ता है, जो इंटेलिजेंसी है, वो इसके कोई ज्यादा काम नहीं आएगी या इतना काम आएगी कि ये जातक टेक्निकल हो सकता है,
इंजीनियरिंग टाइप का काम कर सकता है, या फिर जो है वो एक्टिंग, मॉडलिंग, फोटोग्राफी या कोई फिल्मिंग चीज़ों से, या एडवर्टाइजमेंट से ऐसी, या फिर गारमेंट से, होटल से, ऐसे चीज़ों से, यानी कि जो कहीं ना कहीं शुक्र प्रधान है, ऐसी चीज़ों से दिखने का योग बनाती है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी। अब इस जातक का जो है वो चंद्रमा मिथुन राशि में बैठा, तो जातक का कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होगा, जातक की ट्रेडिंग बहुत बढ़िया, दलाली बहुत बढ़िया है, जातक का मन जो है वो बहुत साफ होगा। हाँ, यहाँ पे जो है वो चंद्रमा केमद्रुम दोष में है, और यहाँ पे केमद्रुम दोष में होने के कारण इसको एक तकलीफ जरूर होगी कि ये इसका मन भटक जाएगा, चिंताएं रहेगी, क्योंकि लग्न में केतु बैठा है, तो यहाँ पे इसको मजबूत थोड़ा सा करना पड़ेगा चंद्रमा को, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जन्म कुंडली के अंदर हमारे को पढ़ाई के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं, तो पढ़ाई का ग्रह जो था इसका मालिक है चंद्रमा, जो अपने घर को काट रहा है। अब जब पढ़ाई का घर जो है वो चंद्रमा अपने आप को काट रहा है, यानी कि चतुर्थ घर हमारी जो है वो एजुकेशन होती है, प्राइमरी जो 12th तक की एजुकेशन है, तो वहां पे नो इंटरेस्ट इन एजुकेशन दिखा रहा है, हायर एजुकेशन नवा घर होता है, इसी को काट रहा है गुरु, अपने घर के पीछे बैठा है, जैसे यहाँ पे चंद्रमा गया था। तो यानी कि जातक की एजुकेशन में थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, तो ये आपको देखने को मिला, सीखने को मिला। अब इस चीज को आप यहाँ पे देखिए, नवांश कुंडली में, यानी कि गुरु जो है वो अनुराधा नक्षत्र में है, तो यानी कि गुरु जो है वो लाभ घर से जुड़ता है। इसका मतलब क्या है कि चाहे वो एजुकेशन कमजोर रहे, लेकिन ये कुछ न कुछ टेक्निकली कुछ न कुछ काम कर लेगा, कुछ न कुछ चीजें, स्पेशल स्किल्स जो होती है, जैसे कई लोग जो है वो कुछ अपना काम सीख लेते हैं, तो जिससे उनकी पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने टेक्निकली या फिर जिस भी नॉलेज के द्वारा अपना धन कमा सकते हैं। तो यहाँ पे गुरु जो है वो नवांश कुंडली में तुला राशि में आता है, और इसका मालिक शुक्र जो है वो पांचवें घर में बैठा, तो बहुत बढ़िया मजबूती दे रहा है। अब यहाँ पे गुरु जो है वो चंद्रमा के साथ है, गज केसरी योग बना रहा है, तो विवाह के उपरांत पत्नी आने के बाद भी इसका भाग्य उदय है, एक तो ये लाइन है गुरु के द्वारा। एक गुरु यहाँ पे छठे घर में बैठा है, तो नौकरी भी बढ़िया कर रहा है। एक गुरु छठे घर में बैठा है, तो जातक को एक प्लस पॉइंट ये देता है चंद्रमा के साथ होने से कि यहाँ पे गुरु इसकी स्पेशल स्किल्स जरूर कराएगा। तो ये चीज हमें क्लियर हुई, पढ़ाई जो है वो इसकी अधूरी नजर आती है, यहाँ पे कोई अच्छी पढ़ाई नहीं है। अगर ये कंप्लीट भी करता है तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे करेगा, बहुत बढ़िया पढ़ाई नहीं करने वाला है, इस कुंडली के माध्यम से हमें ये पता चलता है। दूसरा कि अगर हम देखते हैं शरीर से कि भाई शारीरिक तौर पर कैसा है, हेल्थ के तौर पर कैसा रहेगा, लेकिन लगन में जब केतु बैठता है तो एक तो चोट यहीं पर ही लग जाती है जातक को, कि जातक को शरीर कमजोर हो जाएगा। फिर दूसरा है कि लग्नेश जो है वो मंगल यहाँ पे बैठ गया, वो दूसरा माइनस पॉइंट है। रोग ऋण और शत्रुओं के घर में, कन्या राशि में है, इसका मालिक बुध है, वो पांचों घर में बैठा है, तो एक प्लस पॉइंट है कि शरीर में रिकवरी आती रहेगी, जब जैसे जैसे बीमार हो गए उस पर रिकवरी आती रहेगी। फिर मंगल जो है वो अपने ही चित्रा नक्षत्र में है, तो चित्रा नक्षत्र का जो मालिक होता है वो मंगल है, और वो यहाँ पे छठे घर में ही बैठा है और आठवें घर का मालिक है, तो यानी कि जातक को बीमारी भी रहेगी छोटी मोटी, और सबसे बड़ा उसमें क्या है, तनाव यानी कि डिप्रेशन। ये जातक सोच नहीं पाएगा कि यार मैं करूं क्या करूं, ये करूं तो गलत, ये करूं तो गलत, क्योंकि केमद्रुम दोष भी है, लगन में केतु बैठा है, तो दिमाग को वैसे ही इसने ब्लॉक कर दिया है। और सातवें घर में जब, यानी सातवां घर क्या है, अपनी आकांक्षाओं का है, यानी कि जैसे व्यापार की हर चीज, हर व्यक्ति को आकांक्षाएं होती है कि मैं बिजनेसमैन बनूं, बहुत व्यापार करूं, तो राहु यहां पे एक से ज्यादा व्यापार दिखाता है, जातक को ये होता है कि मुझे बहुत जल्दी धनवान बनना है, मुझे बहुत भयंकर पैसा कमाना है, तो वहां पे इतनी जब चीजें दिमाग में आ जाती है तो कहीं ना कहीं भटकाव भी आता है, और भाग्य का स्वामी जब अपने ही घर को काट रहा है तो भटकाव निश्चित है। यहाँ पे दिमाग से जातक को तनाव मंगल दे रहा है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से छोटी मोटी बीमारियां हैं, और शनि की दृष्टि है, लेकिन शनि स्वराशि का है तो वो कोशिश करता है मन को स्थिर करने के लिए, लेकिन फिर से इसको दिक्कत आती है। दूसरा कि एक चंद्रमा यहाँ पे बहुत बढ़िया बैठा है, यानी कि तीसरे घर में अपने घर को तो काट रहा है, लेकिन छोटे भाई बहनों से भी जातक को लाभ यहाँ पे नजर आते हैं। तो ये इसके स्वास्थ्य से संबंधित बातें हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका जो व्यापार है, पहले हम व्यापार या नौकरी की बात करते हैं, उसके बाद स्वास्थ्य की बात करेंगे, फिर उसके बाद जो है उपाय रेमेडीज की बात करेंगे। तो हम व्यापार की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले देखिए कि कर्म, कर्म का मालिक है शनि, शनि बहुत मजबूत है, इसका मतलब कर्म अच्छा पकड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब राहु सप्तम घर में है और लग्नेश छठे घर में है, तो कहीं ना कहीं नौकरी की तरफ झुकाएगा। राहु सप्तम घर में है तो कहीं ना कहीं जातक का व्यापार में थोड़ी बहुत तो हलचल पैदा करेगा। फिर सबसे बड़ी चीज होती है चंद्रमा, जो मन को स्थिर करता है, तो चंद्रमा बहुत जरूरी है देखना चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा क्या करता है, किसी भी चीज के प्रति फोकस को दिखाता है, आपका मनोबल है ये, आपका जो है वो कॉन्फिडेंस है ये। चंद्रमा जब मिथुन राशि में वायु तत्व राशि में होता है, तो जातक एक तो हवाई यात्राओं में रहता है, ये हमेशा उसके दिमाग में लाखों करोड़ों रुपए के प्लान चलते रहेंगे, जमीनी हकीकत कम होगी। वृषभ राशि में उच्च का होता है, जमीनी हकीकत होती है, यानी कि एकदम सोच समझ के काम करेगा, मनोबल बढ़ेगा, तो यहाँ पे मनोबल तो बढ़ेगा, लेकिन क्या होता है कि हवाई, हवा, वायु तत्व राशि हवाओं में रहेगा,
दूसरा क्या है कि सबसे बड़ी चीज है भाग्य का स्वामी गुरु। गुरु जब अपने ही राशि के पीछे लग जाए ना, यानी भाग्य का स्वामी है, अपने ही पीछे अपनी राशि को काट रहा है और इसका राशि स्वामी छठे घर में बैठा है, तो एक तो क्या होता है कि अपने भाग्य को वैसे ही डिले कर देता है कि भाई ये ले तेरा भाग्य डिले। अगर मान लीजिए जैसे इस जातक की उम्र 1995 की है, तो मान लीजिए कि भाई इसको 30 वर्ष की आयु में जो है वो ग्रोथ पकड़नी थी, तो इसको अपने आप ही 40 वर्ष की आयु पहुंचा देगा, अपने आप ही लगा देगा। तो क्या इसको समझ में आता है यहाँ पे कि राहु का यहाँ पे बैठना आकांक्षाओं को बढ़ाता है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक से दो या दो से तीन व्यापार को दिखाता है। राहु शुक्र की राशि में है, शुक्र पंचम घर में बैठा, तो कला भी बहुत आर्टिस्टिक लाइन है, तो जातक को अपने कर्म की तरफ यानी शुक्र से प्रधान कर्म की तरफ भटकेगा यानी भेजेगा। और बुध भी यहाँ पे बैठा है, तो यानी कि जातक कहीं ना कहीं आर्टिस्ट या आर्टिस्टिक लाइन की तरफ जाने का योग बनेगा और राहु उस तरह को दिखाता है। हाँ, बाद में इसे जरूर पछतावा होगा, बाद में इसे जरूर ये लगेगा यार ये मैंने गलत किया, मैं ये कर लेता वो कर लेता। और कुंडली क्या कहती है, देखिए आदमी अपनी मन की इच्छाओं से आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को देखते हुए अपने परिवार में या जो ट्रेंड में चल रहा है उसके सामने आते हैं, उस संबंधित लोग व्यापार या कुछ ना कुछ नौकरी चूज कर लेते हैं, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि यार हमने गलत किया और फिर उनको पछतावा होता है। तो यानी कि जातक को राहु जो है वो भटकाएगा, राहु का काम ही भटकाना है। और यहाँ पे जब व्यापार के घर में बुध के साथ जड़त्व दोष बना रहा है नवमांश में, और हम इसको दशमांश में भी लेके चलते हैं, तो राहु महाराज जो है दशमांश में छठे घर में गुरु और शनि के बीच आ रहा है, शनि के साथ आने से श्रापित दोष बनाता है। तो यानी कि हम एक चीज कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें अड़चने 100% मिले। फिर व्यापार का जो कारक है वो शुक्र है यहाँ पे, जो पंचम घर में बैठा है, एक तो यहाँ पे कि वो अपनी तरफ खींचेगा, फिर ये जो शुक्र है वो इसको देखिए आप दशमांश कुंडली के अंदर, नवमांश में जो है वो 12वें घर में है, लेकिन दशमांश जो हमारा कर्म का घर है उसके अंदर ये नीच का हुआ है, चौथे घर में हुआ है। इसका मतलब हमारे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो पैसा तो खाएगा ही है, तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा भटकाव देगा। अब शुक्र प्रधान काम करेगा, तो जैसे कि इस जातक ने, मैं आपको समय को बर्बाद न करते हुए बताता हूँ कि जैसे कि इस जातक ने फोटोग्राफी का बिजनेस लिया है। देखिए काम कोई भी हो, काम जो है वो कोई भी हो, भूखा कोई नहीं रहता है, भगवान की कृपा ऐसी होती है कि पेट दिया है तो रोटी सबको देगा। लेकिन जो सक्सेस होते हैं, कई बार आप देखते हो कोई लोग काम करते हैं और वो इतनी तेजी से ग्रोथ करते हैं, क्यों? क्योंकि कुंडली वही काम को दर्शाती है और उसी काम को वो पकड़ लेते हैं, तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है, जातक को लाभ होता है। अगर कुंडली हमें जो काम नहीं बता रही है और हम उसके विपरीत चल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने खर्चे निकालते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, ऐसे करके एक स्ट्रगल भरी लाइफ निकालते हैं। तो स्ट्रगल भरी लाइफ का मतलब ये होता है कि कर्म कहीं और है, हम कहीं और जा रहे हैं। अब इसकी अगर दशाओं को देखते हैं, देखिए राहु यहाँ पे भटका रहा है, शुक्र की तरह से दे रहा है, तो शुक्र यहाँ पे क्या है, जातक को फोटोग्राफी दे रहा है, यानी जैसे जातक फोटोग्राफी के बिजनेस में है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये बिजनेस इसके लिए सूट नहीं कर रहा है, तो ये जातक बहुत स्ट्रगल कर रहा है। अब इसकी अगर हम दशाओं को देखते हैं, तो दशाएं देखिए 98 से लेकर 2016 तक तो राहु की दशा थी, राहु शुक्र से जुड़ा हुआ था, तो इसने खूब इसको मजे कराए या फिर इस तरह के प्रोफेशन में डाला जो इसको मजा दिया। इसके बाद गुरु चला तो वो भाग्य का स्वामी था, तो ये क्या करेगा, ये आते ही 2016 में आया, आते ही तो इसे रिजल्ट देगा नहीं, क्योंकि अपने भाग्य को काट रहा है, तो लेट तो करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इसे गुरु परेशान करेगा कई समय तक, लेकिन बाद में देर आए दुरुस्त आए कुछ ना कुछ तो देगा। अगर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो सूर्य बहुत मजबूत है और गुरु जो है वो यहाँ पे देखिए गुरु और बुध, तो व्यापार का जो कारक है, यानी कि बुध का मतलब ही व्यापार होता है, और नौकरी का कारक है यहाँ पे बुध, तो बुध देखिए यहाँ पे बहुत कम होने की वजह से वो अपनी नौकरी की तरफ जातक को खींच नहीं पाया। दूसरा कि अपनी जो बुद्धि अपनी जो पराक्रम है वो उसको दे नहीं पाया। शुक्र यहाँ पे थोड़ा मजबूत था गुरु की बजाय, इसने बाजी मार ली, ये फायदा हुआ। दूसरा क्या किया कि शुक्र की राशि में है राहु, तो यहाँ पे शुक्र मजबूत होने की वजह से राहु ने शुक्र की तरफ झुकाव ज्यादा किया, तो उसका इसको लाभ मिला। तो यहाँ पे हमें देखा कि ये जो राहु की दशा चली उसके बाद गुरु चला, गुरु 8वें घर का है, तो कुछ ना कुछ तो हमें चोट लगाएगा लगाया, यानी कर्म संबंधी चोटें, जिसका मतलब तो ये हमें दिया कि गुरु ने हमें भटकाया कि भाई हम फोटोग्राफी के बिजनेस में जाएं, और उसमें इसने किया अच्छा किया। देखो समय तो सबका आता है, थोड़ा बहुत अच्छा धन कमाया जो भी है वो किया, लेकिन वो जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाई। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, कौन सा व्यापार इसे सूट करता है, वो उसकी तरफ देखिए। देखिए सबसे पहले लग्नेश जब छठे घर में जाता है, तो बीमारी के घर में, कमीशन के घर में, दलाली के घर में है, और या कोर्ट केस कचहरी के घर में है, LLB की तरफ, तो एक तो ये रुझान होता है। लग्नेश की तरफ मुड़ते हो तो आपको फायदा है, चंद्रमा तीसरे घर में जा रहा है तो कमीशन दलाली इसकी तरफ जाते हो तो भी लाभ होता है। और कहीं ना कहीं हम अगर देखते हैं यहाँ पे, तो 12वें घर का स्वामी जो है वो गुरु है, भाग्य का स्वामी है गुरु, 9वां घर जस्टिस का होता है, और 8वें घर में बैठा है वृश्चिक राशि में, जिसका मालिक छठे घर में बैठा है, यानी कि 6, 8 और 12 का एक बहुत बढ़िया संयोग बनता है। तो जातक जो है वो कोर्ट यानी कोर्ट में जो वकील है जज है उसकी तरफ जा सकता है, या मेडिकली
एक जो चीजें होती है उसका भी लाभ ले सकता है, वो भी इसको पूर्ण रूप से सूट करता है। देखिए गुरु जो है वो भागी स्थान का मालिक है, शुक्र को अगर हम देखेंगे तो वो नवमाश में बारहवें घर में जा रहा है, राहु जो है वो यहाँ पे सप्तम घर में बुध के साथ तो है, लेकिन ये जो गुरु है, अब जन्म कुंडली में जब हम कोई भी अपना व्यापार का निर्धारण करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि कौन से घर किस तरफ ज्यादा झुक रहे हैं, यानी कि ज्यादा झुक रहे हैं, यानी कि जैसे हमने मेडिकल का कहा या LLB का कहा, तो इस तरफ कौन से घर ग्रह जुड़ रहे हैं। देखिए सबसे पहले केतु जुड़ेगा क्योंकि वो राशि स्वामी मंगल की है, तो एक तो ये केतु है, एक हमारे सामने हो गया आपका ये मंगल, एक हमारा गुरु आ गया, एक हमारा जो है वो शनि भी यहाँ पे आ ही जाएगा, क्योंकि शनि यहाँ पे क्या है आप 29 डिग्री का पूर्व भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में गुरु आठवें घर में बैठा है, तो यानी कि 6-8-12 की अगर बात करें तो केतु आपका मंगल गुरु और शनि ये चार ग्रह हमारे यहाँ पे जुड़ चुके हैं, तो एक प्लस पॉइंट हमारे को ये लाभ मिला है। फिर चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा जो है वो यहाँ पे हम देखते हैं तो 1 डिग्री का मृगशिरा नक्षत्र में है, यानी कि मंगल का नक्षत्र तो वो भी जुड़ा, तो कुल मिला के हमारे पास 5 ग्रह हो गए, 9 में से 5 की मेजोरिटी है वो मेडिकल या LLB की तरफ जा रही है जिसके हमें लाभ मिला है। अब गुरु जो 8वें घर से जुड़ा हुआ है, शनि से जुड़ा हुआ है, तो एक मतलब क्या है यहाँ पे इसको एक लाभ मिल रहा है, लाभ क्या मिल रहा है गुरु को, क्योंकि गुरु अनुराधा नक्षत्र में है, तो यहाँ पे गुरु और शनि जुड़ गए 8-11 का, इसका मतलब जैसे वकील होता है, डॉक्टर होते हैं, इनको लाभ होता है, तो ऐसे जातक को वकालत या डॉक्टरी में बहुत अच्छा लाभ है। ऐसा जातक अच्छा सर्जन बन सकता है, अच्छा डॉक्टर बन सकता है। अगर मान लीजिए किसी की उम्र निकल चुकी है तो अब बेचारा वापस थोड़ी पढ़ाई करे, ऐसा नहीं हो सकता, तो इसके लिए क्या उपाय करें, तो हमारे द्वारा इस कुंडली के द्वारा अगर हम दशमांश को भी देखते हैं तो देखिए दशमांश में देखिए कि हम सीधा ही ज्यादा इसमें घुसेंगे नहीं, सीधा ऊपर ऊपर देखते हैं तो कर्म का मालिक गुरु है जो 6ठे घर में बैठा है, राहु शनि, तो हम यहाँ पे ग्रहों को गिन लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब 9 में से 5 ग्रह तो 6, 8 और 12 में बैठे, तो ऐसे का मतलब क्या है कि 6, 8 और 12 ये भाव ज्यादा हाईलाइटेड हो रहे हैं, तो जब ज्यादा हाईलाइटेड होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जातक के कुंडली एक भाव एक तरफ झुक जाती है। जैसे कि कई बार कुछ लोगों की 4ठे घर में 5 ग्रह बैठे हैं, 4 ग्रह बैठे हैं, इसका मतलब वो एजुकेशन में स्ट्रांग है या वो पब्लिक प्रशासनिक सेवाओं में स्ट्रांग है, तो वो उसकी तरफ इतना झुक जाएगा कि वो व्यक्ति पढ़ाई करता ही जाएगा, लास्ट समय तक वो किताबें लिखना पढ़ना कुछ ना कुछ करता ही जाएगा, तो एक तरह चीज दिखाती है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो भाग्य स्थान का मालिक है वो भी यहाँ पे बैठा है, और मंगल देखिए जो लगने से यहाँ पे 6ठे घर में बैठा है, ये उच्च का हो गया, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिल गया, फायदा ही फायदा हुआ है। तो कुल मिला के हमें ये पता चलता है कि जातक मेडिकल या फिर LLB की तरफ जाता है तो हमें लाभ होता है, लेकिन भाई जातक की उम्र निकल चुकी है, पढ़ाई की इच्छा नहीं है, तब क्या करे, अब कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। देखिए जो ये उपाय होते हैं हमारे ज्योतिष से, जो उपाय होते हैं जो हम व्रत रखते हैं या फिर जो है वो स्टोन पहनते हैं, ये उपाय हमें रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन ये हमारा करियर नहीं बना सकते। करियर का मतलब क्या है कि उपाय टोटके जो होते हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं, कुछ चीजों के लिए होते हैं, कुछ कार्यों के लिए होते हैं, लेकिन ये जिंदगी नहीं निकाल सकते, तो इसलिए उपाय हमें वही करना पड़ेगा जो हमारी कुंडली के अनुकूल जाता है। जैसे कि देखिए इस व्यक्ति का फोटो शूट है, तो ये कहता है गुरुजी अब हम क्या करें, क्या करें, सीधी सही बात है इसमें, अब क्या करें, अब कोई हमें कह दे कि ज्योतिष का काम आपको सूट नहीं करता, आप कोई दूसरा कर लो, तो अब इस उम्र में कहाँ जाए, समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम क्या उपाय कर सकते हैं, देखिए जैसे कि जैसे मैं इसमें आपको एक टोटका बताता हूँ कि धारा जिस तरह बहती है उसकी अगर आप बराबर में बहोगे तो आपको जो है वो लाभ होगा, नहीं तो विपरीत में चलोगे तो डूब जाओगे या फिर जो है भ्रमित हो जाओगे। तो ये राहु ने इसको भ्रमित किया, गुरु ने किया, अब इसको उसी बहाव में बहाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा कि जैसे हमने इसको कहा कि तुम या तो कोई हॉस्पिटल है या कोई जैसे कोर्ट कचहरी है उसके ठीक बाहर एक दुकान ले लो अपना व्यापार की, जैसे इसके पास दुकान है तो कुछ तो कर, तो चाहे उसके अंदर आप बैठो या नहीं बैठो, छोटा मोटा एक काम कर लो जिससे कि वो कोर्ट से या फिर हॉस्पिटल से जुड़ा हो। जैसे आप कई बार देखते हो हॉस्पिटल के बाहर एक आपकी किसी परचून की दुकान है या स्टेशनरी की दुकान है, या हॉस्पिटल के बाहर जो है आपने कोई भी ऐसे चाय की दुकान कर रखी है या कोई भी छोटी मोटी दुकान कर रखी है, बहुत बढ़िया चल रही है, खाने की दुकान कर रही है, क्यों, क्योंकि कुंडली में कोई योग होगा आपका 6, 8, 12 का, तो आपको दिखाता है कि हॉस्पिटल के पास आपको लाभ होगा, या कोई कोर्ट के अंदर देखिए आप कोर्ट में जाते हो तो खाने की कोई वहां पे दुकान स्टॉल लगी हुई है, वहां पे और भी दुकान है। तो हमने कहा कि जो फोटोग्राफी करते हैं छोटी मोटी फोटोग्राफी या फोटोकॉपी, इसकी एक छोटी दुकान पार्ट टाइम दिखाने के लिए तुम जो है वो कोर्ट के बाहर या किसी हॉस्पिटल के बाहर कर लोगे तो तुम्हारी कुंडली का झुकाव हो जाएगा उस तरफ, तो या तो तुम्हारा क्या करेगा वो व्यापार बहुत बढ़िया चल जाएगा, नहीं तो क्या होगा कि तुम्हारा जो दूसरा व्यापार जो तुम घर से ऑपरेट कर रहे हो वो, क्योंकि राहु एक से ज्यादा व्यापार को दिखाता है, राहु क्या है मल्टीटास्किंग है, आजकल का जो मोबाइल है हमारा जो आजकल जो हम एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं ये राहु है, पहले जो हम फीचर फोन यूज करते थे कीपैड वाले वो बुध थे, यानी वो सिर्फ कम्युनिकेशन का साधन थे,
अब जब जो है वो मोबाइल एंड्रॉयड आ गए हैं, जो जिसमें सॉफ्टवेयर भी है, इंटरनेट भी है, मीडिया भी है, सब कुछ है, तो वो राहु है। तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीटास्किंग को दिखाता है। तो आप दो व्यापार हो जाएंगे, एक तो घर से आप ऑपरेट कर रहे हो, एक आप जो है उस जगह से कर रहे हो। तो आपको जो 6 8 12 का जो दोस्त था वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा और आपको वहां से ग्रोथ मिल जाएगी। तो वो ग्रोथ है, चाहे वहां पे आपको इनकम नहीं हो रही है, भाड़ा ही लग रहा है, लेकिन आप वहां पे कुछ समय निकालोगे तो आपकी कुंडली के जो ये 6 8 12 में बैठे हुए ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं अपना रिजल्ट त्याग देंगे, वो यहाँ पे अपना जहर उतार देंगे। जहर जहर को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। तो इस तरह से वो जहर उतर जाएगा, तो ये शुक्र सूर्य और बुध तीनों परिणाम देना शुरू कर देंगे राहु के साथ मिलकर, और आपका व्यापार 3 गुना तेज हो जाएगा और आपको गजब का लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो होती है एक जबरदस्त रेमेडीज, जो कुंडली के अकॉर्डिंग जहां पे जा रही है उसके अकॉर्डिंग हमने उसको भेजा। अब एक चीज क्या है कि जैसे कि रत्न, तो हमें इस कुंडली में कोई ऐसा बढ़िया रत्न नजर नहीं आया, फिर भी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए चंद्रमा का रत्न पहन सकता है, बाकी इसमें कोई हमें ऐसा रत्न नहीं आया। आदमी को उस लाइन में चला जाना चाहिए जिस लाइन में जा रहा है, तो फिर रत्नों की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद हमने ये देखा कि इसके विवाह, तो विवाह में सप्तम घर में राहु बैठा है तो डिले मेरिज तो करेगा, तो एक तो ये पॉइंट है। भाग्य का स्वामी अष्टम घर में आया है तो थोड़ा सा वो भी माइनस करेगा। अब भाग्य का स्वामी अष्टम घर में आया तो विवाह की जब बात करते हैं तो यहाँ पे पत्नी के बाद विवाह का भाग्य उदय कर देता है। जैसे कि यहाँ पे राहु बैठा ही है, भाव वर्गोत्तम है और बुध आ गया, तो पत्नी के बाद विवाह का लाभ होता है। छठे घर में चंद्रमा और गुरु आ गए, गज केसरी, इसका भी लाभ मिलता है। तो यानी कि एक प्लस पॉइंट यहाँ पे हमें मिलता है कि भाग्य का स्वामी जब आता है तो पत्नी आने के बाद हमें लाभ हुआ, प्लस पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा है। दूसरा कि डिले मेरिज का योग है थोड़ा सा, तो वो निकलने दीजिए। जैसे कि आज की डेट में 95 का बर्थ है, तो आज की डेट में इस जातक का जो विवाह होने का जो योग बनता है इस कुंडली के माध्यम से, जैसे हमने फलादेश किया था शुक्र का राहु का, तो यहाँ पे जब गुरु यहाँ पे मिथुन राशि के अंदर गोचर करेगा चंद्रमा के ऊपर, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से पंचम दृष्टि से इसको राहु को देखेगा और अपनी नवी दृष्टि से शनि को देखेगा, तो सेटलमेंट और विवाह का योग बनेगा। तो अभी मीन में चल रहा है 1 साल ये और 1 साल ये 22, यानी कि 22 के अंत में और 23 के शुरू में इसके विवाह के योग बनेंगे। तो उस समय की दशाएं अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने आज की डेट में गुरु की दशा में केतु का 2024 में आता है, यानी कि शुक्र। तो हो सकता है कि यहाँ पे जैसे कि अभी 22 है, 23, 24 और 24 के अंत में, यानी कि 24 के अंत में या 25 के शुरू में विवाह का योग होता है जब शुक्र की दशा आती है। तो थोड़ा डिले में कोई दिक्कत नहीं है, डिले होने में बढ़िया है, देर आए दुरुस्त आए अच्छा आए। जैसे यहाँ पे भी दोष बन रहे हैं शुक्र के, ग्रहण दोष बन रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट इसको मिलेगा विवाह का, तो ये इसे कर लीजिए। तो इस तरह से हमने सारी चीजें बताई है, रेमेडीज के तौर पर हमने यही कहा है केतु लगन बेटा भगवान गणेश जी की पूजा करें, शुभ रत्नों में चंद्रमा का रत्न बहुत बढ़िया है, और एक सप्तम घर में राहु बैठा है तो चांदी का कड़ा या चांदी का लॉकेट पहनना बहुत शुभ होता है। गुरु 8वें घर में बैठा है तो थोड़े बहुत इसके दान करने चाहिए, यानी 8 गुरुवार हर साल एक संकल्प लेना चाहिए और 8 गुरुवार यानी शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से शुरू करें और 8 गुरुवार तक 800 ग्राम चने की दाल 8 गुरुवार तक मंदिर में दे दीजिए, बहुत अच्छा ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। भाग्य जो है वो अपने आप ही ग्रोथ करना शुरू करेगा और मंगल के उपाय करने की जरूरत नहीं है, मंगल अपने आप छोटे मोटे रिजल्ट देता रहेगा। तो कुल मिला के अगर हम सर्वाष्टक वर्ग को भी देखते हैं तो कुल मिला के जातक की कुंडली सेटल हो जाएगी। 12वें घर में 23 पॉइंट है, इसीलिए डिले है, मैरिज में भी डिले होगा थोड़ा सा और व्यापार में भी, व्यवसाय में भी, सेटिंग करने में भी डिले होगा। तो इस तरह से हमने पूरी कुंडली का आंकलन किया, कुछ चीजें रहती है तो हम जरूर करेंगे। कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आती इस वीडियो के माध्यम से तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने का, बहुत ही बढ़िया। और तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।